बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं और रिपीटेड प्रश्न है। इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्नों का सलूशन होगा और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं, आपका स्कोर क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। ध्यान से देखेंगे, हिंदी का प्रश्न है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है बताना है। ऑप्शन दिया गया है सुखी, अरुण, उपकरण, निर्विरोध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुखी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सुखी। दो नंबर प्रश्न देखेंगे, अध्यापिका शब्द में प्रात्यय है, आपको बताना अध्यापिका शब्द में प्रात्यय कौन सा है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इका, इका हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है इका। तीन नंबर प्रश्न देखेंगे, दोहा और चौपाई कैसे छंद है, आपको बताना है दोहा और चौपाई कैसे छंद है। तो ये मात्रिक छंद है, कैसे छंद है, मात्रिक छंद है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मात्रिक छंद। चार नंबर प्रश्न देखेंगे, सत्कर्म का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा सत्कर्म का संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन देखेंगे सत जमा कर्म, क्या हो जाएगा सत जमा कर्म, सत्कर्म। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सत जमा कर्म। पाँच नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे, दहीबाड़ा में कौन सा समास है, आपको बताना है दहीबाड़ा में कौन सा समास है। तो ऑप्शन देखेंगे, दहीबाड़ा में कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। छः नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे, गाढ़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुहावरे से प्रश्न आया हुआ है, क्या हो जाएगा इसका, गाढ़ो पानी पड़ना का अर्थ होता है लज्जित होना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा लज्जित होना। सात नंबर प्रश्न देखेंगे, उत्थान का विलोम शब्द है, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है। तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाता है आपका पतन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पतन। आठ नंबर प्रश्न देखेंगे, आगे डैश पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा। तो खाली स्थान को भरना है, यहाँ झरना आएगा, पहाड़ आएगा, कुआं आएगा, नदी आएगा, क्या आएगा। तो यहाँ आ जाएगा आगे कुआं पीछे खाई, है ना, आगे कुआं पीछे खाई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कुआं। नौ नंबर प्रश्न देखेंगे, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है। तो इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द इनमें कौन सा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मनोज इसमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो होगा क्या इंद्र का समानार्थी शब्द, इंद्र का समानार्थी शब्द हो जाएगा सुरपति, सुरेश, देवराज, ये सभी क्या है इंद्र का समानार्थी शब्द है। दस नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो आपको ऑप्शन पहले पढ़ना पड़ेगा, जब पता चलेगा, भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी। तो इसमें सही और शुद्ध जो हो जाएगा ना, भक्तों की मंडली जा रही थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्तों की मंडली जा रही थी। ग्यारह नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन देखना पड़ेगा, वेदों के छः अंग माने जाते हैं, वेदों में छः अंग माने जाते हैं, वेदों से छः अंग माने जाते हैं, वेदों में वेदों पर छः अंग माने जाते हैं। तो इसका सही और शुद्ध हो जाएगा आपका, वेदों के छः अंग माने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वेदों के छः अंग माने जाते हैं। बारह नंबर इंग्लिश का प्रश्न है, देखिए जो प्रश्न है ना, क्वेश्चन, वो इसमें मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिखाई नहीं दे रहा, तो आगे बढ़ेंगे आप। तेरह नंबर भी और चौदह नंबर, ये सभी प्रिंटिंग मिस्टेक है, और नीचे मैथ के प्रश्न है, और जितने भी मैथ के प्रश्न है ना, सभी का सेपरेट वीडियो होगा, तो आप ज़रूर देखेंगे। आप आ जाएंगे डायरेक्ट छब्बीस नंबर पर, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, आपको बताना है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो ये आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। सत्ताईस नंबर देखेंगे, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है, बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म माध्यम मार्ग की हिमायत करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा माध्यम मार्ग। 28 नंबर देखेंगे, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो ये मुगल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल।
29 नंबर देखेंगे, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे, तो ये थे आपके बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। 30 नंबर देखेंगे, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भाग पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था, तो कौन था ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर जुमला, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा मीर जुमला। 31 नंबर देखेंगे, किताब उल हिंद का लेखक कौन था, किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अलबरूनी। 32 नंबर देखेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था, तो कन्नौज है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज। 33 नंबर देखेंगे, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया, तो ये कृष्ण का किया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण। 34 नंबर है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था, तो जयपुर शहर का संस्थापक जो है राजा सवाई जय सिंह, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा सवाई जय सिंह। 35 नंबर देखेंगे, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन है, तो यह है खारवेल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा खारवेल। 35 नंबर हो गया, 36 नंबर पर आ जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था, भूभाग नहीं व्यापार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा भूभाग नहीं व्यापार। 37 नंबर है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, तो ये थे दंती दुर्ग, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दंती दुर्ग थे। 38 नंबर पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है, सही सुमिलित बताना है, तो इसमें औरंगजेब मनुची जो है सही सुमिलित है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर देखेंगे, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, तो ये सरोजनी नायडू थे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। 40 नंबर पे आ जाएंगे, सूची एक एवं सूची दो को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो ए बी सी डी दिया हुआ है, जिसे आपको देखना है कि कौन सही है, किसकी पत्नी कौन है, है ना, तो देश बंधु चितरंजन दास की वाइफ कौन है, तो ये है बसंती देवी, लाला लाजपत राय की राधा देवी, और महात्मा गांधी की ये हो जाएगा एक नंबर कस्तूरबा गांधी, और मोती लाल नेहरू की दो नंबर हो जाएगा स्वरूप रानी। तो नीचे किस में सुमिलित हो रहा है, तो आप देखेंगे दो, यानी बी नंबर देखेंगे 4312 जो है बी सही सुमिलित हो रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर देखेंगे, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड। 42 नंबर है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में किससे होकर नहीं गुजरती है, तो किससे होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा, वो आपको बताना है ना, तो ये उत्तर प्रदेश है जहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश गुजरात और झारखंड जो है यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 43 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक से कुरनूल कुडुप्पा नहर निकलती है, तो ये निकलती है पेनेरू से, किससे निकलती है पेनेरू से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पेनेरू। 44 नंबर देखें, सूर्य से निकटतम ग्रह है, तो यह है बुध, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध। 45 नंबर देखेंगे, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है, तो सर्वाधिक भाग वायुमंडल में कौन सा, नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। 46 नंबर देखेंगे, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है, तो भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा बताना है, ये है 82°30', ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, तो सबसे बड़ी खाड़ी बताना कौन सा है, तो ये है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। 48 नंबर देखेंगे, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी ये टार्सियरी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा टार्सियरी। 49 नंबर पे आ जाएंगे, तारापुर प्रसिद्ध है, तारापुर
किस लिए प्रसिद्ध है? तो आणविक शक्ति केंद्र के लिए, आणविक शक्ति केंद्र के लिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर पे आ जाएंगे। सूची एक एवं सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए नंबर देखेंगे बुलर झील, तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है, ए का दो हो जाएगा। और अगला है बी नंबर लोनार झील, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। दो का जो है चार हो जाएगा, लोनार झील महाराष्ट्र में। और पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट झील तमिलनाडु में, पुलिकट झील तमिलनाडु में है। सी का तीन हो जाएगा। और लोटक झील मणिपुर में है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही सुमिलित कर रहा है, तो ए नहीं कर रहा है, दो नहीं कर रहा है, यानी बी नहीं कर रहा है, सी भी नहीं कर रहा है। नीचे आ जाते हैं, हाँ डी कर रहा है। देखिए दो चार तीन एक, दो चार तीन एक, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो सही सुमिलित कर रहा है। 51 नंबर पे आ जाएंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये है क्षोभ मंडल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। 52 नंबर है निम्न वायु दाब केंद्र कहलाता है, निम्न वायु दाब केंद्र क्या कहलाता है? चक्रवात कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर देखेंगे। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाली तूफान को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं हरिकेन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर जाएगा, हरिकेन। 54 नंबर देखेंगे। डोल्डम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? तो बताना है डोल्डम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य है, तो ये है 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। 55 नंबर देखेंगे। फेरल का नियम संबंधित है, फेरल का नियम संबंधित है वायु संचार से, वायु संचार से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वायु संचार से। 55 हो गया। 56 पे आ जाएंगे। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो बताना है पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 57 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ? तो नहीं हुआ है, तो ये हुआ है आपका भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा जो है नहीं हुआ है, है ना? भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? तो नहीं है सभी मतों का समान मूल्य, सभी मतों का समान मूल्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी मतों का समान मूल्य। 59 पे आ जाएंगे। द्वैत शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है? तो ये किस एक्ट में किया गया बताना है, ये भारत शासन एक्ट में किया गया है, भारत शासन एक्ट 1919। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत शासन एक्ट 1919। 60 नंबर पे आ जाएंगे। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? तो डेट बताना है 26 नवंबर 1949। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। 61 नंबर देखेंगे। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची 11वीं अनुसूची में है, कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 11वीं अनुसूची में है। 62 नंबर देखेंगे। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो ये होता है एक न्यायिक सलाहकार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक न्यायिक सलाहकार। 63 नंबर पर आ जाएंगे। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। 64 नंबर देखेंगे। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? तो आंध्र प्रदेश बना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 65 नंबर देखेंगे। भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? भारत में 25वां राज्य गोवा बना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोवा।
65 हो गया, 66 देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था, तो किसमें सम्मिलित किया गया आपको बताना है, मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है ये 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा। 67 नंबर देखें, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह अपनी क्या है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, स्वेच्छा से दूसरे देश की अगर नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर पे आ जाएंगे, नागरिक समता का आशय है क्या है, तो कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कानून के समक्ष समता। 69 नंबर है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है, विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है, तो ये संसद लगा सकता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संसद। 70 नंबर देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो कैसे होंगे निर्वाचित, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। 71 नंबर देखेंगे, किस तापक्रम पर सेल्सियस व फॉरेनहाइट के मान समान होते हैं, तो ये होते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर। 72 नंबर देखेंगे, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10³ जूल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4.2 × 10³ जूल के। 73 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से ओमीय चालक है, तो क्या है, ये है कांस्टेंट निहित, कांस्टेंट, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कांस्टेंट निहित। 74 नंबर देखेंगे, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो क्या करेगा, ये दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर देखेंगे, एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, तो ये आवेश की मात्रा का मात्रक है, किसका है, आवेश की मात्रा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आवेश की मात्रा। 76 नंबर पे आ जाएंगे, थर्मोस्टेट क्या होता है, थर्मोस्टेट क्या होता है, तो ये होता है किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण, किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण। 77 नंबर देखेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का संबंध E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आप सभी को पता है E=mc² का जो प्रतिपादन किया था वो आइंस्टीन ने किया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आइंस्टीन। 78 नंबर देखेंगे, आकाश में सबसे चमकदार तारा है, तो ये सारिस है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सारिस। 79 देखेंगे, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है, तो ये है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर देखेंगे, 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है, तो ये होती है आपका 10^17 जूल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 10^17 जूल। 83 नंबर, सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियो धर्मिता को उत्पन्न किया, तो हेनरी वैकुलर ने किया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हेनरी वैकुलर। 84 नंबर देखेंगे, बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। 85 नंबर देखेंगे, उसमें 92 क्या है प्रोटोन है और 238 जो है ये न्यूक्लियॉन है, तो के नाभिक में नहीं होते हैं, तो नाभिक में क्या नहीं होते हैं वो बताना है, ऑप्शन देखोगे जब पता चलेगा, ऑप्शन है 92 प्रोटॉन तो ये होते हैं, 146 न्यूट्रॉन ये भी होते हैं, और 92 न्यूट्रॉन ये नहीं होते हैं, है ना, ये नहीं होते हैं, 146 न्यूट्रॉन होते हैं जो कि ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन डी है 238 न्यूक्लियॉन, तो इसमें बताना नाभिक में नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बी जो है 92 न्यूट्रॉन ये नहीं होते हैं, यहाँ होते हैं 146 न्यूट्रॉन।
तो ये गलत है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर देखेंगे, सूर्य के असीमित ऊर्जा का स्रोत है तो क्या है, नाभिकीय संलयन, क्या हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। 87 नंबर है, नाभिक की खोज किसने की, तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा रदरफोर्ड। 88 नंबर पे आ जाएंगे, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, तो आपको बताना है नोबेल गैस कौन सा है, तो ये हीलियम होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। अगला है 89, हंसाने वाली गैस, तो हंसाने वाली गैस कौन सी है, आप सभी को पता होगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे सूंघने के बाद सभी हंसने लगते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। 90 नंबर पे आ जाएंगे, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाएगा, तो मीथेन पाया जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। 91 नंबर देखेंगे, DPT का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है डिप्थीरिया में लगाया जाता है, कुकुर खांसी में भी लगाया जाता है, टेटनस में भी लगाया जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। 92 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से विषाणु जनहित रोग कौन सा है, विषाणु जनहित रोग बताना है, तो विषाणु से होने वाला जो रोग है वो एड्स है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्स। 93 नंबर देखेंगे, कैरोटिड लेबरिंथ का कार्य होता है, तो इसका क्या कार्य होता है, ऑप्शन देखेंगे मस्तिष्क को अधिक रुधिर भेजना, मस्तिष्क को कम रुधिर भेजना, रुधिर को हृदय में भेजना, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इनमें से कोई भी इसका सही उत्तर नहीं है। 93 हो गया, 94 पे आ जाएंगे, अमीबा गति करता है, तो अमीबा गति करता है पादबू स्यूडोपोडिया के द्वारा, किस तरह अमीबा गति करता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर देखेंगे, रेगिस्तान में वनारोपण में बाधा है, तो रेगिस्तान में वनारोपण में बाधा क्यों है, वहाँ कम वर्षा होती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कम वर्षा। 96 नंबर देखेंगे, 96, दालचीनी पेड़ के किस छाल से एकत्र की जाती है, तो ये की जाती है छाल से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा छाल से। 97 नंबर देखें, तंबाकू में उत्पादित एल्कोलॉइड होता है, तो ये होता है निकोटीन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा निकोटीन। 98 नंबर देखें, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाता है स्टेपिस, कान की हड्डी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेपिस, कान की हड्डी। 99 नंबर देखेंगे, पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं अपघटक, ऑप्शन बी का सही उत्तर हो जाएगा अपघटक। 100 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है, तो हार्मोन निर्माण से संबंधित है अंतःस्रावी ग्रंथियां, ऑप्शन डी का सही उत्तर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इसी तरह की सेट की सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। इस चैनल पे और भी कई सेट के सोल्यूशन के वीडियो रिकॉर्डेड अपलोड कर दिए गए हैं, अगर नहीं देखे तो उसे भी देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ।